नमस्कार, ओएलआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से फसल का बीमा तो करा लिया जाता है, लेकिन किसानों की फसल खराब हो जाने पर शासन के द्वारा मुआवजे से वंचित हो जाते हैं। एक ऐसी ही घटना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बालाघाट के खैरलांची क्षेत्र में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का लाभ नहीं मिलने से सैकड़ों किसान आक्रोशित हुए। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे रखे? और आसपास के अन्य ग्रामों में फसल बीमा की राशि नहीं का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि इन ग्रामों में भी सूखे की या बीमारी कीट व्याधि की उतनी ही प्रकोप था जितना अन्य आसपास के क्षेत्रों में था, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया रहा शासन का और इन गांवों के कृषकों को, जबकि पंजीयन की राशि बकायदा बीमा की राशि काटी गई किसानों से और इनको बीमा का पैसा नहीं मिला। क्या आप इसे वाराणसी विधानसभा के नेतृत्व की कमी मानते हैं? बिल्कुल जरूर, नेतृत्व वाराणसी विधानसभा नहीं है, पूरे भाजपा शासन के नेतृत्व की कमी है। आक्रोशित सैकड़ों किसानों का आंदोलन गुरुवार को उग्र हो गया, जिसके चलते सेवा सहकारी समिति मर्यादित खरखड़ी गांव में बालाघाट से मोहाल राज्य मार्ग पर बैठकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन करते हुए बीमा का फायदा ना दिलाए जाने पर जमकर नारेबाजी की गई, जिससे दिन भर चकाजाम की स्थिति बनने से सैकड़ों वाहनों के पहिए थमे रहे। लगातार उग्र होते हुए किसानों के आंदोलन के तेवर को देखते हुए मौके पर अपर कलेक्टर SDOP वाराणसी समेत प्रशासनिक और पुलिस बल तैनात रहे।